धान के लहलहाते खेत और गेंद की तरह जमी हुई पहाड़ियों के बीच से होते हुए आज हम रामायण काल के किष्किंधा के दर्शन करने जा रहे हैं। यह हमारी हम्पी यात्रा का हिस्सा है। एक दिन में हमने इतिहास के गौरवशाली विजयनगर साम्राज्य की राजधानी, जो कि वर्तमान में हम्पी के नाम से जानी जाती है, उसका टूर किया। हम्पी का वीडियो मैं अलग से अपलोड करूँगी। और दूसरे दिन हम निकल पड़े आनेगुंडी गांव की तरफ, जो कि रामायण काल का किष्किंधा कहा जाता है। तुंगभद्र नदी पर से गुजरते हुए सच में रामायण काल की सत्यता और पवित्रता का एहसास होता है। अब हम किष्किंधा की उस गुफा की ओर बढ़ रहे हैं जहां श्री रामचंद्र जी सुग्रीव से पहली बार मिले थे। गुफा में कुछ देर बैठना प्रभु श्री राम के सानिध्य का एहसास कराता है। कहा जाता है श्री राम जी ने इस पार से उस पार के पर्वत पर बाली पर निशाना साधा था। यह पंपा सरोवर है और ऊपर शबरी माता की कुटिया है, जहां प्रभु राम ने उनके जूठे बेर खाए थे। अब चलते हैं आंजनेय पर्वत, जो अंजनी सुत श्री हनुमान जी का जन्म स्थान कहा जाता है। जय श्री राम के नारे लगाते हुए भक्त कब 500 से ज्यादा खड़ी सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंच जाते हैं पता ही नहीं चलता। ऊपर जाते समय हम भी प्रभु की भक्ति में इतने लीन थे कि आपके लिए वीडियो बनाना ही भूल गए। तो ये था किष्किंधा का छोटा सा टूर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय जय श्री राम, जय हनुमान।